यमुनानगर के छछरौली में एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा 23 साल की युवती को बहला फुसला कर साथ ले जाने का मामला सामने आया था। युवती के लापता होने की शिकायत युवती के परिजनों ने थाने में दी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद सामने आई थी। गुरुवार को समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर छछरौली थाने का घेराव किया था और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, जिसका नतीजा है कि पुलिस ने आखिरकार 8 दिन बाद लापता युवती को बरामद कर लिया है। इस मामले को लव जिहाद के साथ जोड़ा जा रहा था और विशेष समुदाय के पड़ोसी शख्स पर युवती को भगा ले जाने के आरोप लगे थे, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद और युवती के समाज के लोग 2 बार पंचायत कर पुलिस को चेतावनी भी दे चुके थे। 2 दिन पहले भी पंचायत कर 12 जनवरी को छछरौली पुलिस थाना का घेराव करने की बात कही गई थी। पहले से मैरिड था और वो लड़का एक समाज की एक बेटी को बहला फुसला कर उसका अपहरण करके घर से लेता गया था 10 दिन पहले। उसके विरोध स्वरूप आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे और प्रशासन ने पूरी सूझबूझ से सरकार के जो धार्मिक मामलों में सरकार ने भी कानून बनाया है उसके सहयोग के कारण से आज हम सब उस बेटी को वापस लाने में, उस अपहरणकर्ता से वापस लाने में सफल हुए हैं और इसमें बड़ा सकारात्मक रोल आपकी मीडिया का, आपके द्वारा भी समाज में जो जन जागरण का अभियान ये चलाया गया है इस केस में, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं समाज की ओर से, आप सब की ओर से, पूरे समाज को, प्रशासन को, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जानकारी के मुताबिक समुदाय विशेष का जो युवक युवती के साथ ले गया था वो पहले ही शादीशुदा है, ऐसे में समाज के लोगों में काफी रोष था। यही वजह है कि चेतावनी के मुताबिक हिंदू संगठन के लोग थाने का घेराव करने पहुंच गए थे और तभी डीएसपी नरेंद्र खटाना ने उनके बीच जाकर उन्हें जानकारी दी कि उनकी बेटी को बरामद कर लिया गया है और उनके बयानों के आधार पर मामले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद ये लोग शांत हुए। उम्र 24 साल थी, वो उसी के गाँव के मुस्लिम लड़के के साथ जो कि शादीशुदा था उसके साथ चली गई थी, जिस संबंध में हमने मुकदमा नंबर 6/5 तारीख को दर्ज कर दिया था, जो आज उसी संबंध में ये हिंदू विश्व हिंदू परिषद के लोग थाना में इकट्ठे हुए थे कि भी उसको अभी तक लड़की को ढूंढा नहीं गया है, उस बारे में पुलिस ने क्या कार्य किया है। उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि लड़की को हमने बरामद कर लिया है और कानून के अनुसार जो भी आगे कार्रवाई है उसके बयान होने हैं कोर्ट में, वो सब कराने उपरांत और भी कोई इसमें धाराएं या कोई ऐसी उसको उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या संतुष्टि दी गई है सर परिजनों को लड़की की? परिजन संतुष्ट हैं, उनका यही रोष था कि भी हमारी लड़की मुस्लिम लड़के के साथ गई है और पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है, जिसमें अब हमने सफलता हासिल कर ली है और लड़की को बरामद किया जा चुका है। पुलिस ने समय रहते युवती को बरामद कर लिया है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया है, साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले कई बार सोचे। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब की सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।